पुलवामा हमले से कुछ देर पहले का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 14 फरवरी को हमले से कुछ देर पहले का है। वीडियो सीआरपीएफ के काफिले में शामिल उसी गाड़ी में बैठे एक जवान सुखजिंदर सिंह ने बनाया है, जो बाद में हमले में शहीद हो गए। वीडियो में सुखजिंदर बस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुखजिंदर ने ये वीडियो अपनी पत्नी को भेजा और उसके कुछ देर बाद ही वो हमले में शहीद हो गए। सुखजिंदर सिंह सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन में बतौर कांस्टेबल तैनात थे। सुखजिंदर सिंह ने हमले के दिन 14 फरवरी को सुबह साढ़े दस बजे अपने भाई गुरजंट सिंह जंटा को फोन करके बताया था कि जम्मू कश्मीर में रास्ता बंद होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब रास्ता खुल चुका है। उन्होंने बताया था कि सीआरपीएफ के 2500 जवानों का काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है।